हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं लीडिंग करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग डेली सुबह 6 बजे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, इसके अलावा PIB, PRS जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सभी हम लोग कवर करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। और डेली अगर आप अपना 30-40 मिनट अगर अपना दिन का निकाल रहे हो इस सेशन को देखने के लिए, तो यकीन मानिए दुनिया में, देश में ऐसी कोई सी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि नहीं होगी, जो आपको नहीं पता हो, जिसके फैक्ट्स आपको नहीं पता हो, जिससे रिलेटेड आपको रियलिटी नहीं पता हो। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि आपको समझने में ये सेशन आपको बहुत मदद करेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको वहाँ पे प्रीलिम्स या मेंस के अंदर एज इट इज क्वेश्चंस हैं जो कि देखने को मिलेंगे, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर वहाँ पे करंट अफेयर आ रहा है तो आपको यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिकॉज जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट होता है हम लोग वो सभी जो है वो कवर करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है आज जो डेट है वो कितनी, 27th of July। ठीक है, 27th of July आज की अपनी डेट है। तो 27th of July जो है हम लोग यहाँ पे PPT जो है वो लगा लेते हैं 27th of July की। ऑल राइट, ठीक है, 27th of July है, सुबह के 6:10 हो चुके हैं। ये सारे के सारे आपके एग्जाम है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस सेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद में कोट ऑफ द डे जो है वो कवर करेंगे, उसके बाद में सारे के सारे न्यूज़पेपर, उसके बाद में फन फैक्ट, उसके बाद में डेली के जो इंपॉर्टेंट 5 वोकैबुलरी है वो देखेंगे। और जाने से पहले कुछ सवाल है जो कि मैं आपको दे के जाने वाला हूं। तो कल के सवाल की बात करें तो मैंने आपसे बेनिफिट पूछा था ऑप्टिकल फाइबर का। सबसे पहले तो मुझे थम्सअप कर दो अगर आवाज और बाकी सब चीजें जो है वो परफेक्टली अगर आ रही है, तो एक बार मुझे थम्सअप कर दो गाइज, है ना। सोल्यूशन कर दिया है आपके वो ब्लैक, और जो बार बार पे जो स्क्रीन ब्लैक होती है ना उसका सोल्यूशन कर दिया है, तो अब नहीं होगा वो, डोंट वरी, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज में। ठीक है, एक बार जल्दी से थम्सअप कर दो एक बार सभी लोग जो है। हाँ दीपक सर यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, यार दीपक सर के जो है वो थ्रॉट के अंदर प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, मतलब काफी, थोड़ी बहुत नहीं काफी प्रॉब्लम है थ्रॉट के अंदर, तो उसकी वजह से उनकी क्लास है जो कि नहीं हो पा रही है। तो अभी मेरे ख्याल से आज या कल डॉक्टर ने जो है वो बोला है 2-3 दिन के रेस्ट के लिए, तो होपफुली मेरे को लगता है कि 2-3 दिन में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो हाई स्पीड और रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, ये दोनों इसके बेनिफिट है ना, यानी कि चीप तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, काफी एक्सपेंसिव है ऑप्टिकल फाइबर। तो बी आपका, ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रोविजन अंडर द इंडियन अंटार्कटिक बिल, तो इसके अंदर मैंने आपको बोला था दोस्तों कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर रहे हैं विजिटिंग अंटार्कटिका के ऊपर, कोई भी अगर इंडिया से जा रहा है या कोई भी जा रहा है तो, है ना। और ऐसे कोई भी बर्ड्स जो कि नेटिव नहीं है अंटार्कटिका के, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी मना किया गया है, नेटिव प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करंट स्टेटस ऑन द इश्यू ऑफ द नीट फ्रॉम तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो अभी जो स्टेटस जो अभी वहां पर चल रहा है ना, तो ये है कि जो ये बिल है ना एक्चुअली के अंदर ये होम मिनिस्ट्री को दे रखा है, हालांकि होम मिनिस्ट्री क्या मानेगी नहीं इस बिल को, लेकिन जो नीट जिस तरीके से चल रहा है ना उसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि अगर तमिलनाडु को एग्जेम्पशन मिल गई तो फिर बाकी सारे राज्य भी जो है वो एग्जेम्पशन मांगेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है ये बिल है जो कि पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सब्सिडी, सॉरी एग्रीमेंट को लेकर बेनिफिट्स क्या है दोस्तों फिशरीज के सब्सिडीज के, है ना। तो देखो इसके भी कई सारे बेनिफिट है। एक तो क्या होता है कि जब आप सब्सिडीज किसी भी चीज को देते हो तो आप रेगुलेट कर लेते हो किसी भी चीज को, क्योंकि सब्सिडी मांगने आते हैं लोग, तो आप उसको रेगुलेट कर लेते हो, पूरे रूल्स एंड एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट कर लेते हो। तो फिशिंग जो वेसल्स है उनको तो सब्सिडीज एलिमिनेट करेगा, और बेनिफिट जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली जो है वो फिशरीज वाले इंडस्ट्री को देने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे A1 और 2, मतलब यहाँ पे 2 आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, तीसरा वाला सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि डिप्राइव हो जाएंगे कोस्टल कंट्रीज इंडिया और फिशिंग रिसोर्सेज, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, एक्सेप्ट इंडिया जापान किस किस के साथ में हम लोग नेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग थाईलैंड के साथ में भी करते हैं, सिंगापुर के साथ में भी करते हैं, इटली के साथ में हम लोग नहीं करते, तो आपका 1 और 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर आप इंडिया में किसी, अगर आप कोई जॉब करते हैं गाइस, तो एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करने की कोशिश करेगा, स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी .org की वेबसाइट पर जाकर एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू ₹500 पर मंथ में आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हो, उसकी पर मंथ की रिसीट, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अटेंडेंस, सब कुछ आपको आपके अपने डैशबोर्ड पर मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते में 1-2 घंटा किसी को पढ़ा सकें तो वॉलंटियर भी बनकर आप किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं। साथ में रेलवे का बूस्टर कोर्स दोस्तों लॉन्च हो चुका है, 18th of July को लॉन्च हो चुका है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। आपको कंप्लीट कोर्स का रिवीजन है जो कि GK का, मैथ का,
रीजनिंग का और साइंस का है जो कि करवा रहे हैं। तो मंडे टू सैटरडे डेली सुबह 12 से लेकर शाम तक क्लास है जो कि चल रही है, जिसमें 100 घंटे की क्लासेस है, 100 टेस्ट ऑलरेडी है, बायलिंगुअल कंटेंट है, एक साल की वैलिडिटी है। अगर आप चाहते हैं अलग से टेस्ट सीरीज ही लेना है तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप रेलवे की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, फेलिंग इज नॉट ऑलवेज फेलियर। देखो अक्सर यही होता है कि दुनिया की नजर में क्या होता है, देखो हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर कोई आपकी कंडीशन को समझेगा, है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब है ना, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर कोई आपकी कंडीशन को समझेगा, आपके साथ में चलेगा, आपको सपोर्ट करेगा, तो मतलब यकीन मानिए अपने से बड़ा कोई बेवकूफ इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द वे दिस वर्ल्ड वर्क्स। ऐसे काम ये दुनिया नहीं करती है। ओके, हमेशा लोग फेल होने को फेलियर मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। फेलियर एक पार्ट होता है आपकी जर्नी का, जिसमें आप 10 times अगर कुछ चीज ट्राई करोगे तो यकीन मानो 7 से 8 बार तो आप फेल ही होगे। अगर सक्सेस इतनी आसानी से अगर हो जाती तो हर कोई जो है वो आज दुनिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल होता, लेकिन क्या ऐसा रेशियो है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेलियर दोस्तों ज्यादा होते हैं, उसी के अंदर लोगों की हिम्मत, डिटर्मिनेशन, करेज, कितने मजबूत हो आप कितने लोगों को सह सकते हो, क्रिटिसिज्म कितना सह सकते हो, ये सारी चीज़ों के बाद में ही सक्सेस है जो कि देखने को मिलती है। तो फेलिंग होना इज नॉट ऑलवेज अ फेलियर, ये फेलियर नहीं होता, ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। ये बात जो है वो दुनिया में लोग नहीं समझेंगे, आपके घर वाले नहीं समझेंगे, आपके पड़ोसी अड़ोसी आपके परिवार वाले नहीं समझेंगे कि अगर आपका 4 बार एग्जाम नहीं निकला तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी थी लेकिन फिर भी पेपर क्रैक नहीं हुआ, तो वो इस बात को नहीं समझेंगे। समझाना भी नहीं है किसी को, बस मेहनत करते चले जाना है, जो गलतियां आपने करी है उसको इम्प्रूव करना है। और यकीन मानो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सभी लोग ये बोलेंगे, हमें तो पता था, ये तो क्लियर करेगा ही ना, अरे हमें तो मालूम था, वो तो कुछ दिनों की बात थी बस, वो जो नहीं हो पाया था। ओके, तो वो दिन जरूर आएगा, बस अपनी अच्छे से मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और अपने फेलियर से सीखिए, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं आज के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो बात करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि बताइए हमें कि ये जो इलेक्शन के टाइम पे जो फ्री के अंदर जो चीजें दी जाती है ये कहां तक सही है, ओके, और कैसे इनको रोका जा सकता है, और कैसे इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है तो कितने लेवल पे किया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको मालूम है कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोई फिर बिजली पानी हो, कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ जो है वो फ्री में देने का आज के टाइम पे बहुत जगह पे बहुत सारी सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कि ये कर रही है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है। यहाँ पे बात करी गई दोस्तों गुजरात के अंदर लोकली, आपको मालूम है लिकर बनी थी जिसके पीने की वजह से 36 लोगों की दोस्तों मौत है जो कि हो गई है। नंबर बहुत बड़ा है यार, 36 लोगों की। आपको मालूम है जितनी ज्यादा आप कर्व लगाते हो किसी चीज के ऊपर, बैन है गुजरात के अंदर, आपको मालूम है गुजरात और बिहार के अंदर ड्राई स्टेट है दोनों के दोनों, अल्कोहल नहीं मिलती है ऑफिशियली तो, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी मिलती है। ओके, तो उसी की वजह से आप देख सकते हैं इलीगली की 36 लोगों की जान चली गई। यहाँ पे बजरंग दल का एक ग्रुप है जिसने बहुत ही क्लब के अंदर न्यूसेंस क्रिएट करी, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं करी गई, ये सब यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी दोस्तों आप अल्कोहल की न्यूज है, ये आपको दिख रही बॉटल्स, पता है कितनी बॉटल्स है, ये 60,000 बॉटल्स है। ओके, और ये पूरी की पूरी क्या है, इलीगल बॉटल्स है जो कि अल्कोहल की लिकर बॉटल्स है इलीगल जो कि बनाई गई थी, तो उसको रोड रोलर के द्वारा क्रैश किया जा रहा है दोस्तों पुलिस के द्वारा। कहां पर है, विजयवाड़ा के दोस्तों, ये न्यूज़ आप देख सकते हो। 60,000 कोने में से एक लोग, कोने कोने से एक आधी तो साइड में कर ही रहे होंगे, मेरे को लग रहा है बोले यार इतनी सारी बॉटल तोड़ रहे, एक तो मैं निकाल ही लेता हूँ यहाँ से, तो हो सकता है ऐसा भी कुछ कर रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आम आदमी पार्टी के पंजाब की न्यूज है कि वहां पे वापस अटॉर्नी जनरल ने रेजिग्नेशन दे दिया है। यहाँ पे इलेक्शन आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी को वापस से बुलाया, राहुल गांधी ने दोस्तों मार्च करी, प्रोटेस्ट किया, वो यहाँ पे दिखाया गया। स्पेक्ट्रम का लोकेशन हुआ दोस्तों, कल पहला दिन था और जो है बहुत ही पैसा ही पैसा होगा, बहुत ही खतरनाक पैसे कमाए गए। नियर बाय 1.5 लाख करोड़ रुपए की बेट है जो कि अभी तक लग चुकी है। और ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि रशिया दोस्तों बोल रहा है कि मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024-25 तक छोड़ दूंगा और खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि बनाऊंगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। दो न्यूज आपके लिए जरूरी है। चलिए, तो 26 जुलाई को दोस्तों ओरली सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि पता करिए फाइनेंस कमीशन से कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को रोका जा सकता है
फेक प्रोमिसेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनरेशनल फ्रीबीज ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन। आपको मालूम है ऐसी कोई भी सिंगल पार्टी नहीं है आज के टाइम पे देश में जो कि इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े वादे नहीं करे गए हो, है ना। कोई बोलता है टीवी ले लो, कोई बोलता है फ्रिज ले लो, कोई बोलता है लैपटॉप ले लो, कोई बोलता है फलाना गाड़ी वाड़ी स्कूटर सब देने को तैयार हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। और ऐसी बात नहीं है इलेक्शन के टाइम पे तो देने के राजी होते हैं और बाद में देते भी है, ऐसी बात नहीं देते नहीं है, देते भी है, बस नंबर कम हो जाता है, रोते धोते देते हैं, है ना, एक दो साल तीन साल उस प्रोसेस में लगा देते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें पैसा जाता किसका है? ओके, अगर मान लीजिए 1 करोड़ की जनता के अंदर मान लीजिए अगर 1,000 या 10,000 लोगों का आपने कुछ फ्री में दे भी दिया तो क्या ये सलूशन है? क्या ये आपके क्या उनकी उनकी लाइफ का क्या ये सलूशन है? क्या ये बिल्कुल भी सलूशन नहीं हो सकता। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये जो कैंपेन के टाइम पे फ्री वादे किए जाते हैं ना उसको लेकर क्या किया जाए। ओके, और ये पैसा जाता कहां से है? एंड ऑफ द डे ये पैसा जाता कहां से है? आपके टैक्सेस का पैसा ही होता है। आप जो भी चीज आज के टाइम पे खरीदते हो, अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स भरते हो नहीं भरते हो वो तो चलो अलग बात है, वो तो नौकरी लगोगे तब भरोगे ही भरोगे, लेकिन आज के टाइम पे जो भी सामान आप खरीदते हो उसमें हर चीज में टैक्स होता है। तो आप ही का सभी का ये टैक्स का पैसा है जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट फिर उससे चीजें को इलेक्शन के अंदर है जो कि उसको फायदा उठाती है। ओके, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे अगर आप ये सारे फ्री चीजें दोगे तो इसका मतलब आप वोट बैंक के लिए सरकार का ही पैसा काम में ले रहे हो एंड ऑफ द डे। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये देखो, इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी चीज फ्री में दे रहे हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है वेलफेयर के लिए। अगर किसी भी चीज का सलूशन है जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन है, अगर मान लीजिए हेल्थ का कोई कंसर्न है, है ना, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तो एक बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं, तो चलो इसमें तो समझ में आता है ना, ये तो बेसिक ही तो एक ह्यूमन राइट्स के तौर पे देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा कई बार क्या होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है लैपटॉप बांटना, मोबाइल बांटना, है ना, सिलेंडर्स बांट दिए, रिफिल उसके बाद कौन करेगा उसको, वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि टेम्पररी बेनिफिट है जो कि दिए जाते हैं। अब इसके अंदर लार्ज पैसा चले जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप ये सब दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इससे आपके स्टेट के फाइनेंस के ऊपर जो है वो कितना फर्क पड़ता है। तो फ्री में देना इज नॉट ए कंसर्न, लेकिन उससे आपके स्टेट का बजट कितना चरमरा जाता है या कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कितने कर्जे में चले जाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या था कि कोर्ट के अंदर ही जो है ना वो दूसरे केस के लिए कपिल सिंबल बैठे हुए थे, तो सीजीआई जो है रमन्ना साहब, उन्होंने कपिल सिंबल को बोला कि भाई बताइए आप तो पार्लियामेंटेरियन भी है, आप तो वकील भी है, आप बताइए आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर। ओके, आप तो लॉयर भी पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो चीज है ना वो सेंट्रल के ऊपर नहीं स्टेट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कि स्टेट अपना जो डेप्थ है, जो कर्जा है, उसके बाहर जाके जो है वो ये सब चीजें नहीं करे। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे अपने जो इंडियन स्टेट्स है ना इन सबके ऊपर मिलाकर जो है वो 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है जो कि आज के टाइम पर है। समझ गए मेरी बात? अभी 70 लाख करोड़ का इतना सारा कर्जा है तो एंड ऑफ द डे कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी कहीं ना कहीं इसका फर्क है जो कि पड़ेगा। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे कि कौन सा राज्य कितने ज्यादा कर्जे में है अपने खुद के जीडीपी के परसेंटेज के ऊपर, तो अगर आप देखोगे पंजाब राजस्थान दोस्तों सबसे ज्यादा कर्जे में, उसके बाद बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश भी पांचवें नंबर पर है, 1, 2, 3, 4 पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तो ये सारे के सारे राज्य आप देख सकते हो कि अपने आउटस्टैंडिंग डेप्थ ऑफ अपने परसेंटेज निकालोगे ना अगर जीडीपी इनके स्टेट के जीडीपी का तो बहुत ही हाई परसेंटेज है। ये देखो पंजाब तो 40% से भी ऊपर है, राजस्थान और बिहार, केरला और यूपी, ये अगर आप देखोगे तो ये आपके 40 से 35% के बीच में है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये सरकारी आंकड़ा है, ये सरकार के द्वारा दिया, आरबीआई के द्वारा दिया गया था। तो देखो क्या होता है कि आपका जो कर्जा है ना वो 20% से बिलो होना चाहिए आपके जीडीपी, आपका स्टेट का जो जीडीपी है उसका जो टोटल डेप्थ है किसी भी स्टेट पे वो 20% एंड बिलो होना चाहिए। आज के टाइम पे आप देखोगे तो सारे राज्य देखोगे ना, ये देखिए तमिलनाडु तक जितने भी राज्य आपको नजर आ रहे हैं सब 27% से ऊपर नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश 34%, केरला 37%, बिहार 38%, राजस्थान 39% और पंजाब 53%। तो ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसका जब आप इतना ज्यादा कर्जा लेते हो तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर मैंने लोन लिया 100 रुपए का बैंक से मान लो, तो मुझे उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, 7%, 8%, 3% जो भी इंटरेस्ट होगा। तो जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना ज्यादा पैसा मेरे से इंटरेस्ट का जाएगा, जबकि वो पैसा तो चुक नहीं रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा जा रहा है। तो अब क्या होता है, मैं मान लो 100 रुपए कमा रहा हूं तो हर महीने 20 रुपए जो है वो मान लो इंटरेस्ट में दे रहा हूं, तो जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना ही पैसा इंटरेस्ट में भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना वो भी बहुत ज्यादा है, 21% जा रहा है इनके पास, 14% जा रहा है। ये देखो अगर बात करोगे वेस्ट बंगाल का 20% पैसा जो है वो जा रहा है किसके अंदर, इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर।
ओके, हरियाणा का भी देखिए 20% है, तमिलनाडु का 21% है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर आप अनरियलिस्टिक चीजों को फ्री करते हो तो, है ना, अगर आपके स्टेट अलाउ करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेट अलाउ कर, देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर दिल्ली का बताओ, देखो दिल्ली के अंदर करना थोड़ा बहुत आसान है क्योंकि दिल्ली का जो टैक्सेस है ना दिल्ली के अंदर वो काफी कलेक्शन होता है। अगर आज आप देखोगे देखो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर अगर आप सही तरीके से चला रहे हो तो फ्री में चीजें दे सकते हो क्योंकि दिल्ली से आपको टैक्सेस का पैसा बहुत मिलता है। दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा अगर आप निकालोगे ना, मैक्सिमम अमीर लोग दिल्ली और बॉम्बे में इंडिया के मिलेंगे, तो वहां से टैक्सेस बहुत मिलता है, बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास टैक्सेस का अच्छा पैसा आ रहा है, अगर मान लो मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं तो मेरे को 10-20-50 लाख रुपए 70 लाख रुपए लगाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी किसी भी स्टेट की इनकम भी बहुत कम है और उसमें भी अगर वो फ्री में बांटने लगेगा तो फिर उसकी स्टेट का जो फाइनेंशियल है वो डगमगा जाएगा। आज दिल्ली से अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो टैक्सेस जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का जाता है, तो ये काफी लार्ज अमाउंट है। तो दिल्ली के अंदर करना इतना इशू नहीं है क्योंकि दिल्ली में आप पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों रशिया को लेकर। तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया 2024 के बाद में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि रशिया छोड़ देगा। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो उम्र है वो 2030 तक है वैसे तो, है ना, लेकिन वो चाह रहा है कि उससे पहले वो खुद का स्पेस स्टेशन है जो कि प्रिपेयर कर ले। तो ये जो उनके नए स्पेस के चीफ है जो कि रिसेंटली बनाए गए, मतलब रॉस्कोमोस के, तो उन्होंने ये बात है जो कि यहाँ पे बोली है। ठीक है गाइस, अभी अगर 2030 तक जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो वर्किंग में है, इसके बाद में कई सारे कंट्रीज जो है वो अपना अपना बनाने लग जाएंगे। पहले तो साथ में बना लिया था लेकिन अब थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है जो कि कम है क्योंकि सारे कंट्रीज के बीच में आपस में टसल है। मॉस्को और वेस्ट के बीच में तो आपस में लड़ाई है यूक्रेन को लेकर, तो इस वजह से यूरी करके बोरिसव करके एक पर्सन है, उनको रॉस्कोमोस का हेड है जो कि बनाया गया, तो उन्होंने ये बात है जो कि बोली है। ठीक है कि 2024 के बाद में हम लोग हमारे खुद के ऊपर है जो कि काम करना स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो जॉइंट वेंचर था ये, किसके बीच में, यूएस, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा, ये 5 कंट्रीज के बीच में जो है, 5 मतलब जिसमें यूरोप हो गया पूरा, यूएस हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया और कनाडा हो गया, ये 5 कंट्रीज प्लस ऑर्गेनाइजेशन, पूरा यूरोप तो कॉन्टिनेंट ही है, इन्होंने मिलकर जो है इसको बनाया था। पहली बार ऑर्बिट में 1998 के अंदर जो है वो सैटेलाइट भेजी थी, कंटिन्यूअसली जो है वो 22 साल हो गए मतलब इसको काम करते हुए। ये आपके साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीरो ग्रेविटी में काम करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, स्पेस की जर्नी को आगे लेके जाना, एक्सपेरिमेंट्स करना। ओके, 7 लोगों का क्रू है जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, है ना, और ये अपना 1 महीने तक से भी ज्यादा का टाइम है जो कि बिता सकते हैं। नियर बाय 400 किलोमीटर ऊपर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे 7 में से 3 तो यहाँ पे रशियंस देखने को मिलेंगे आपको, ओके, उसके अलावा 3 अमेरिकन देखने को मिलेंगे और 1 पर्सन है जो कि कौन है, इटालियन है। तो ये 7 लोगों का क्रू है जो कि आज आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से ही चलता रहता है। आपको मालूम है कि इसकी जो स्पीड है ना वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि 92 मिनट के अंदर ये पूरी अर्थ का चक्कर है जो कि लगा लेता है। सोचिए 92 मिनट के अंदर जो है ना ये एक रिवोल्यूशन है जो कि कंप्लीट रिवोल्यूशन है जो कि कंप्लीट कर लेता है अपनी अर्थ के, तो बहुत ही हाई स्पीड है इसकी। इस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कितनी अजीब बात है ना कि अर्थ के बाहर लोग घूम रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही अमेजिंग नहीं है ये, मतलब साइंस अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज है कि मतलब कहाँ पे जाके कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे अर्थ दिख रही है इनको, पूरा स्पेस दिख रहा है। ओके, इस तरीके से कुछ आपको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो देखने को मिलता है। ऑलराइट, आगे आप बात करते हैं, आप देख सकते हो माइक्रोग्रेविटी और स्पेस एनवायरमेंट के रिसर्च लेबोरेटरी है और ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, इन सब के फील्ड के ऊपर यहाँ पे काम है जो कि होता है। डिफरेंट 5 स्पेस एजेंसीज जो है ना, जो कि दुनिया के नियर बाय 15 कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर काम है जो कि कर चुके हैं। और जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट जो था वो 5 दोस्तों कंट्रीज के बीच में था, रॉस्कोमोस नासा हो गया, रॉस्कोमोस हो गया, जापान का जक्सा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज है। इसके अलावा ओनरशिप जो है वो किसी एक के पास में नहीं है, इसमें एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज हो रखी है, है ना, और अब तक का लॉन्गेस्ट ह्यूमन स्पेस के अंदर मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 2030 तक ऑपरेट करेगा। नासा ने 2031 में उसको डीकमीशन करने के लिए बोल दिया है। आने वाले टाइम पे नासा और आपका कनाडा ये दोनों मिलकर लॉन्च करेगा, यूरोप अपनी करेगा, चाइना अपना करेगा और रशिया खुद का करेगा, और आने वाले टाइम पे हम भी हमारा खुद का जो है वो करवाने वाले हैं इस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हम भी हमारा जो है वो भेजेंगे 10 से 15 साल के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे डाटा पॉइंट के अंदर दोस्तों लोकसभा के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसको लेकर, सिलेंडर को लेकर। आपका जो सिलेंडर है वो कितना महंगा हो गया है कितने सालों में, उसकी पूरी जानकारी है जो कि यहाँ पे दे रखी है आपको
आपको मालूम होगा ये दिल्ली के रेट्स हैं, इसी के आसपास आपको पूरे देश में भी देखने को मिलते हैं। एलपीजी की जो रेट है दोस्तों वो 1000 रुपए हो चुकी है ना, और जो सिलेंडर का जो रिफिल करवाना है, जो रिफिल करवाने का है वो भी डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि लोग उसको रिफिल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि महंगा बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको मालूम है आपके घर में जो सिलेंडर आता है वो 14.2 केजी का होता है, जुलाई के अंदर उसकी प्राइस जो है वो 1053 रुपए के आसपास है जो कि पहुंच गई। सब्सिडी जो है वो 200 रुपए पर सिलेंडर की वो अनाउंस करी गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत, है ना, उसके हिसाब से तो 853 के अंदर है जो कि मिल रहा था। लेकिन 853 अगर आप देखो, दो बात है, या तो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से आपने सिलेंडर लिया हो तो आपको मिलेगा 853 का, 200 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप इसके अंदर नहीं हो, अगर आप नॉर्मल सिलेंडर लेते हो इसमें, तो आपको 1053 रुपए का दिल्ली के अंदर मिलेगा, इसके आसपास 20-50 रुपए आपको पूरा कंट्री में मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने सब्सिडी भी ले रखी है ना, तब भी 2015 में जो प्राइस थी वो 420 रुपए के आसपास थी, तो भी प्राइस क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, मतलब सब्सिडी के बाद में भी, मतलब ओके। और सब्सिडी जो है वो फाइनेंशियल 2022 में सरकार ने बहुत कम भी कर दी है, आज मात्र 250 करोड़ रुपए मतलब जो है वो सब्सिडी के तौर पर है जो कि दिए जा रहे हैं। एक जमाने में ये जो सब्सिडी सिलेंडर के ऊपर ये 20,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए की जो है वो हुआ करती थी, यानी कि आप ये मान सकते हो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंडर भी बहुत ही कम लोग है जो कि सिलेंडर ले रहे हैं। मेजरली जो है आपको ये नॉर्मल प्राइस जो कि चुकाने पड़ेगी, जो कि नियर बाय 2.5 गुना ज्यादा है जो कि पिछले कुछ सालों में हो चुकी है। अब इसके कारण क्या है दोस्तों, इसके दो मेजर कारण है जिसकी वजह से प्राइस जो है ना आपकी 2015 से 2022 के बीच में आसमान पे पहुंच गई, ठीक है। इसके दो मेजर कारण है, एक तो इंटरनेशनल दोस्तों आपकी प्राइसेस, इंटरनेशनल जो आपकी गैस की प्राइसेस है वो भी बहुत स्काई रॉकेट हुई है। 80-90% जो भी आपको इस प्राइस में देखने को मिल रही है ना वो इंटरनेशनल प्राइस ही है, ओके। 80-90% जो भी प्राइस देखने को मिल रही है वो इंटरनेशनल प्राइस ही है, और सऊदी अरेबिया जो है ना वहां से प्राइस है जो कि हम लोग यहाँ पे मैच करवाते हैं, तो ओके ये वाली बात। अब दूसरा मेजर कारण इसके अंदर क्या है जो कि महंगा होने का, वो है सब्सिडी के अंदर रिडक्शन होना। पहले क्या होता था, महंगा सिलेंडर पहले भी बहुत हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा नहीं है, 2011-12-13 के टाइम पे भी बहुत महंगा था, लेकिन उस टाइम पे सरकार जो है वो सब्सिडी दे दिया करती थी, है ना, वो बोलती थी कि भाई हम हमारे पॉकेट से दे रहे हैं आप तो सस्ता ले लो, तो 15,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हुआ करती थी, तो आम जनता को सिलेंडर जो है 200-300-400-500-300-400 रुपए में मिल जाया करता था। लेकिन अब जो है सरकार ने क्या कर दिया, इसकी जो सब्सिडी है ना वो डाउन कर दी है, अब उसी प्राइस के ऊपर आपको लेना पड़ रहा है जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्राइस है जो कि देखने को मिल रही है। इसके वजह से जो एलपीजी का जो रिफिल है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत जिन लोगों ने सिलेंडर लिया था वो पता है कितना परसेंट लोग रिफिल कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग है जो कि रिफिल कर रहे हैं एक साल के अंदर एक बार, जो कि बहुत ही कम है। मतलब कुल मिला के लोगों ने सिलेंडर तो ले लिया लेकिन उसको उल्टा करके जमीन में गाड़ के उसको चेयर बना के बैठे हुए हैं क्योंकि उसको रिफिल कराने के पैसे नहीं है, और मात्र 5% रिफिल है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ बताया गया है किस तरीके से प्राइसेस बढ़ी है, ये तो आपका ठीक है, ये देखिए ये आपका जो प्राइसेस है, ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, ये सब्सिडाइज एलपीजी प्राइस है रुपीस के अंदर, जो कि किस तरीके से रेट आसमान की तरफ गई है। ये नॉन सब्सिडाइज है एलपीजी प्राइस, ये भी आप देखोगे नीचे गई और अब एकदम से यहां से ऊपर जाते जाते पूरी ऊपर की तरफ है जो कि निकल गई। ये आपका चल रहा है प्राइसेस को लेकर, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनल देखो, करंटली 80-90% जो भी एलपीजी की जो रिटेल प्राइस दिल्ली में मिल रही है ना वो इंटरनेशनल फ्री ऑन बोर्ड एफओबी प्राइस बोलते हैं इसको, ये एवरेज होता है, मतलब सऊदी अरामको का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना उसका है, जिसमें 60% ब्यूटेन और प्रोपेन की प्राइस होती है, तो इसी प्राइसेस के अंदर जो अरामको की प्राइस है जो कि हम लोग मंगवाते हैं उसी के अंदर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो, थोड़ा सा टैक्स लगा देते हो, बॉटलिंग चार्ज लगाते हो, डिलीवरी चार्ज लगाते हो, है ना, जो भी जीएसटी है थोड़ा बहुत वो लगाते हो, उसके बाद में आपकी फाइनल प्राइस आती है। लेकिन ये जो सारे चार्जेस मैंने आपको बताया ये सब सिर्फ 10-20% के आसपास ही होते हैं, है ना। मेजरली जो है वो 80-90% प्राइस आपका इंटरनेशनल प्राइस है, ये देख सकते हो प्राइस भी जो है वो काफी ऊपर की तरफ चला गया है। सब्सिडीज की बात करें कि पहले कितनी सब्सिडी होती थी, अब कितनी सब्सिडी होती है ना, तो अभी आप देखोगे 17-18 के अंदर भी अगर 23,000 करोड़ की सब्सिडी थी, 18-19 के अंदर 37,000 करोड़ की सब्सिडी थी, उसके बाद में 19-20 के अंदर 24,000 करोड़ की, अब कोविड के बाद से देख सकते हो आप 11,000 करोड़ की सब्सिडी थी 2021 में, और इस बार तो मात्र 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी है जो कि रखी गई है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि मेजरली लोगों को जो है अभी 1,000 रुपए और उसके आसपास में ही गैस सिलेंडर है जो कि लेना पड़ेगा, तो ये सब्सिडीज बहुत कम हो गई है। तो दो इसके कारण है जो कि आपके गैस प्राइसेस बढ़ गए, एक तो इंटरनेशनल प्राइस इसका कारण हो गया और एक हो गया आपका सब्सिडीज में रिडक्शन हो गया, ठीक है।
ये दो चीजें हो गई। रिफिल्स के बारे में बात करें, कई लोग जो एक साल के अंदर 3 बार रिफिल करवाते हैं, मात्र 3 बार, वो पहले थे 2021 में 17%, अभी वो गिर के कितने हो चुके हैं, 15% हो चुके हैं। ओके, दो रिफिल करवाने वाले पहले 3.5% थे, अभी वो हो चुके हैं 4.7%, और जो एक रिफिल करवाने वाले वो 1.9% थे, अभी वो 5% है जो कि हो चुके हैं। यानी कि साल में अगर एक बार रिफिल करवाने वाले की लोगों की मैं बात करूं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत, ये नॉर्मल की बात नहीं, वो तो हर आदमी गैस सिलेंडर तो लेता ही, उज्ज्वल योजना के तहत तो मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो कि साल में एक बार है जो कि रिफिल करवा पा रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब मोटिव ये था कि लोग क्या करें कि लोग अपने घर में सिलेंडर लें और ये जो चूल्हा चौका होता है जिसके अंदर महिलाओं को बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उसको साइडलाइन करें और गैस को काम में लें, दैट क्लीन एनर्जी है जो कि काम में लें। यही प्राइम पर्पस है जो कि उज्ज्वल योजना का था, जिसके अंदर 25 करोड़ जो है सिलेंडर बांटे जो है वो टोटल गए थे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी कोई भी फेक न्यूज होते हैं ना उनको आप चेक कर सकते हो, ऑल्ट न्यूज। ठीक है, ये आपके लिए बहुत, अगर आपको कुछ भी चेक करना हो ना, कोई भी ट्वीट किसी ने किया है फेक है कि नहीं है, तो ऑल्ट न्यूज एक फैक्ट चेकर वेबसाइट है। तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा रेट बता रखा है कि देखो नॉन सब्सिडाइज प्राइस जो है ना वो पहले 700, ये देखो 2013 के अंदर भी 1000 रुपए के आसपास है जो कि नॉन सब्सिडाइज प्राइस थी, लेकिन सरकार उस टाइम पे सब्सिडी देके 410 रुपए में दिया करती थी। 2014 के अंदर भी 1200 रुपए का सिलेंडर का प्राइस था, लेकिन सरकार 414 रुपए में दिया करती थी। 15, अब देखो उसके अलावा अगर आप देखोगे 18 में भी 809 रुपए का सिलेंडर था नॉन सब्सिडाइज, आज 1000 रुपए का है, लेकिन सरकार आपको 500 रुपए में दिया करती थी। लेकिन अब ये जो नंबर है ना वो आपके क्या हो चुका है, आपके 853 के ऊपर है जो कि पहुंच चुका है। मतलब तो पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप प्राइसेस देखोगे तो 3 गुना है जो कि गैसेस के ऑलमोस्ट है जो कि पहुंच गई है, मतलब 2.7% के 2.7x के आसपास। चलिए आगे बात करते हैं, की बात करते हैं। ठीक है गाइस, होपफुली आपको पूरा डाटा मिल गया होगा, सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। पेज नंबर 12 की बात करते हैं, रामसर साइट्स के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, आप सभी को मालूम है जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए। ओके, तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया है कि 5 और ऐसी साइट है जो कि हमने इंक्लूड करी है किसके अंदर, रामसर साइट के अंदर। टोटल मिला के पहले तो थी 49, अब हमने 5 और ऐड कर दिए, तो चलो ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से साइट्स हैं जिनको अंदर अभी चेंजेस हुए हैं। तो हमने 5 और रामसर साइट से जो कि इंक्लूड करिए वेटलैंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे, तो टोटल हमारे यहाँ पे नंबर पेपर में पूछेंगे जो कि 54 हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उनके द्वारा दी गई। और ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से साइट्स हैं। एक तो है कारी किल्ली बर्ड सेंचुरी है, एक है आपका पाली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, और एक आपका पिचावरम मैंग्रोव है। ये तीनों के तीनों आपके तमिलनाडु के अंदर है। उसके अलावा एक आपके संख्या सागर है मध्य प्रदेश में, और एक आपके पाला वेटलैंड है जो कि मिजोरम के अंदर है। तो आपके तीन तो हो गए तमिलनाडु की, उसके बाद में एक हो गई आपके मध्य प्रदेश की, और एक हो गया आपका मिजोरम का। तो ये 3 और नई साइट्स है जो कि एड ऑन करी गई है। हमारे यहाँ पे जो वेटलैंड समझते हो ना, ऐसा एरिया जो होता है मार्शी एरिया होता है जिसको वो बोलते हैं ना अपन, थोड़ा दलदल वाला जो एरिया होता है, ये प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन है जो कि अंदर की तरह स्क्वीज रहता है, ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा कार्बन दबाव रहता है। तो हमारे एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, ऐसी साइट्स को हम लोग जितना प्रोटेक्ट करें उतना हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 11 हमारे पूरे देश में आज के टाइम पे 11,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो कि टोटल वेटलैंड जितने भी है ना उसका 10% जो एरिया है वो हमारा कौन सा, रामसर साइट्स के अंदर है जो कि देखने को मिलता है। 18 ऐसे स्टेट्स के अंदर आपको रामसर साइट्स है जो कि देखने को मिलेगी। इतनी ज्यादा साइट्स आपको किसी भी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगी, हालांकि जो हमसे छोटे छोटे जो कंट्रीज है वहां पर ज्यादा वेटलैंड है जो कि देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास है, यूके के पास 175 साइट्स है। उसके बाद में मेक्सिको की बात करें तो 142 साइट्स आपको मैक्सिको में मिलेगी। इनफैक्ट इंडिया से जो बहुत ही छोटे छोटे से कंट्रीज है ना, जैसे कि बोलीविया है, बोलीविया तो आपको मालूम ही है, बोलीविया है, तो बोलीविया के अंदर भी जो रामसर साइट्स है वो 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है।
और हमारे यहाँ पे कितना है, मात्र 10,000 किलोमीटर का है। तो हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन हमें धीरे धीरे जो है इसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। पिछले 20-30 सालों में हमने इसके ऊपर ज्यादा काम किया नहीं है। अगर जैसे कि मैं बात करूं 1981 की, तो 1981 में भी हमारे यहाँ पे 41 साइट्स है जो कि हुआ करती थी। अब 81 से अभी क्या हो गया 2022, पिछले 40 सालों के अंदर मात्र और मात्र 13 साइट्स हैं जो कि हम लोग एड ऑन कर पाए। अदरवाइज हम लोग 81 में भी हम लोग 41 साइट्स लेके बैठे हुए थे हमारे देश में। ओके, तो पिछले 30-40 साल में हमने ज्यादा एड ऑन किया नहीं है इसके अंदर। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इसरो के द्वारा ये बोला गया कि जो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है ना, वो 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे। तो जो नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट एक रिपोर्ट है जो कि इसरो के द्वारा पब्लिश करी जाती है, उसके अंदर 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास है जो कि बताया गया है, समझ रहे हो। अब अगर कोई भी साइट रामसर साइट्स में आ जाती है तो क्या बहुत भयंकर पैसा मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता है उसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन वो क्या होती है, वो साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है, टूरिज्म वहां पर बढ़ जाता है, समझ रहे हो आप, उसका थोड़ा प्रोटेक्शन और उसका थोड़ा ध्यान रखने लगते हो, है ना, इंटरनेशनल विजिबिलिटी हो जाती है उसकी। तो ये सारी चीजें जो कि देखने को मिलती है, मतलब समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो आपको मैप में नजर आ रही है। चलिए, तो रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड का ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर नाम की, तो वहीं पर ही दोस्तों इसको किया गया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 1971 में इसके ट्रीटी को साइन किया गया था, और नंबर ऑफ पार्टी जिन्होंने इसको साइन किया हुआ वो 171 है। जैसे ही अगर कोई पार्टी इसको साइन करती है, समझ गए, जो भी पार्टी इसको साइन करती है उसको एक वेटलैंड साइड है जो कि अपने कंट्री से इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, है ना। तो यहाँ पे वाइस यूज ऑफ वेटलैंड के बारे में बात करी जाती है कि फिलॉसफी है कि आप प्रॉपर तरीके से उस एरिया को जो है वो काम में लो, मेंटेन करो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, ठीक है गाइस। चलिए, और गवर्नमेंट जो है वो काफी कमिटमेंट करती है जब कोई भी साइट रामसर साइट के अंदर आ जाती है। पूरी दुनिया में दोस्तों 2400 से भी ज्यादा रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती है जो कि 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। दुनिया के 171 ऐसी पार्टीज है जो कि इन्होंने इसको साइन किया हुआ है। पहली जो साइट थी वो थी कोबोर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 1974 में इसमें इसको डेजिग्नेट किया गया। इसके अलावा यूके के पास मैक्सिमम है, फिर मैक्सिको के पास में, बोलीविया के पास में सबसे लार्जेस्ट एरिया है दोस्तों रामसर प्रोटेक्शन का। ओके, साइट ज्यादा यूके के पास, लेकिन एरिया जो है वो बोलीविया के पास में जो है वो देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो, ये पूरी दुनिया का मैप है जहां पे आपको इतनी सारी साइट्स आपको रामसर साइट्स देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ वाले एरिया में देखोगे तो यूरोप में बहुत ही ज्यादा है ना, तो यूरोप में इसलिए नंबर बहुत ज्यादा है। ऑल राइट, हमारे यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों मैक्सिमम है, 10 साइट है, और उसके बाद में पंजाब आ गया, उसके बाद में गुजरात आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। और जो लोवेस्ट है वो आपके लद्दाख में 2 है, आंध्रा में 1, बिहार में 1, आसाम में 1 है ना, मध्य प्रदेश में 2 हो गई, अभी तमिलनाडु में 3 और हो के 4 हो गई, मिजोरम में भी एड ऑन हो गई। तो ये कुछ साइट्स है, टोटल मिला के अभी कितनी हो चुकी है, 54 हो चुकी है जुलाई 2022 तक। ओके, ये मई तक का डाटा है 49। इसके अलावा लार्जेस्ट साइट की बात करें तो सुंदरबन जो है वो हमारा सबसे बड़ा एरिया है, उसके बाद में वेम्बनाथ है जो कि केरला में, चिल्का लेक उड़ीसा में। ओके, सबसे छोटी जो साइट है वो है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर, बहुत ही छोटा सा एरिया है। इसके अलावा ओल्डेस्ट है चिल्का और केवला देव, 1981 के अंदर इन दोनों को डेजिग्नेट है जो कि रामसर साइट के तौर पे किया गया था, ठीक है गाइज। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है प्रीति आप बहुत ही क्यूट हो, क्या हो, क्यूट हो, कोट हो, क्या हो। अरे भाई वो कोट नहीं होता, क्यूट होता है। कम से कम फ्लटिंग कर रहे हो तो फ्लटिंग तो ढंग से करो कम से कम यार। रक्षक पटना वाले ने कमेंट किया, प्रीति आप बहुत ठीक है कोट हो। अरे भाई कोट बोलना चाह रहे हो, क्यूट बोलना चाह रहे हो, कम से कम ऐसे थोड़ी ना प्रीति इंप्रेस होगी यार। कम से कम इंग्लिश तो कम से कम गूगल पे देख कर एक बार सही लिख लो, उसकी स्पेलिंग तो सही लिख लो। उसके आगे दिल विल बना रखे हैं बढ़िया जो है उसके आगे हार्ट वार्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी कि आपने क्यूटी लिखा होगा। तो क्यूटी भी अगर आप लिख रहे हो तो कम से कम सही स्पेलिंग तो लिखो उसकी, फ्लटिंग तो कम से कम सही करो, वरना प्रीति क्या, प्रीति की जो पड़ोस के अंदर कोई अगर कोई तो कोई और होगी वो भी नहीं फटेगी। चलो चलो
सुबह सुबह फ्लटिंग करने आए हैं, मतलब सुबह सुबह फ्लटिंग चालू हो जाती है, मतलब कुछ भी हो जाए जिंदगी के अंदर यही सबसे बड़ा है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों के जीवन में सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, उनको ये समझ नहीं आती कि अगर आपका करियर होगा ना तो गर्लफ्रेंड तो बनी जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चिंता मत करो। ओके लेकिन सब प्रायोरिटी पहले गर्लफ्रेंड है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। चलो होता है यार, 20-25 साल में शायद आप ये सोच नहीं पाते हैं what will going to happen in the next 5 years, ये सोच नहीं पाते हैं, तो सिर्फ ये लगता है कि भाई ठीक है यही जिंदगी है यही चीज़ है, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है पार्ट ऑफ द लाइफ। आगे बात करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे ये वाली चीज के बारे में, वन वेब के बारे में, बहुत बड़ी कंपनी है वन वेब, उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो वन वेब जो ये कंपनी है दोस्तों, ये क्या करती है, ये सैटेलाइट ट्रांसमिशन करती है, स्पेस के अंदर जो है वो सैटेलाइट भेजती है ताकि इंटरनेट जो है वो हर जगह अवेलेबल हो सके। स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, सुना होगा ना नाम, हाँ, तो स्टारलिंक जो काम करती है, ठीक है, तो जो स्टारलिंक जो काम करती है वही वन वेब काम करती है। वन वेब के अंदर जो मेजरली स्टेक होल्डिंग है ना वो एयरटेल की है दोस्तों, समझ गए। तो अभी क्या हो रहा है कि एक फ्रेंच सैटेलाइट कंपनी है ना यूटेलसैट, वो और साथ में भारतीय एयरटेल, ये दोनों मर्ज हो रही है, और दोनों कंपनी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटिटी है जो कि बनने वाली है। भारतीय ग्रुप जो है इसमें सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जो कि इस वाली ट्रांजेक्शन में बन जाएगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो $3.4 बिलियन के आसपास है जो कि देखने को मिल सकती है, जिसमें जो ये यूटिल सेट है वो 650 सैटेलाइट है जो कि भेजने का है मतलब, और करंटली जो है वो 424 ऐसी सैटेलाइट से करंटली जो ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। जियो स्टेशनरी जो है वो तो 36 है, जो लार्ज वाले जो आज के 10,000-20,000 किलोमीटर पे है ना वो तो 36 है, लेकिन जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है वो 450 सैटेलाइट है जो कि इसने छोड़ रखी है मतलब। तो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, इस वाले सिस्टम को ये लोग इम्प्रोवाइजेशन है जो कि करने के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, होम मिनिस्ट्री ने दोस्तों क्लियर कर दिया विल्सन को एज ए एयर इंडिया के सीईओ के तौर पे पद है जो कि इनको मिल गया है, ठीक है गाइस। आपको मालूम है एयर इंडिया जो है उसके सीईओ और एमडी जो है वो कैम्बल विल्सन को जो है वो बनाया गया था, तो ये जो न्यूजीलैंड के हैं ये, और न्यूजीलैंड के ही एक एयरलाइंस है उसको भी ये संभाला करते थे, है ना, न्यूजीलैंडर करके एक एयरलाइंस है उसको संभाला करते थे। तो टाटा सन्स ने इनका अनाउंसमेंट है जो कि 15, 14 या 12 मई के आसपास है जो कि किया था, उससे पहले है ना, और इससे पहले ये लोग सिंगापुर एयरलाइंस के भी हेड थे। स्कूट करके एक चलती है एक एयरलाइंस है, स्कूट डबल ओ है ये, उसके भी पहले ये सीईओ है जो कि हुआ करते थे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स को लेकर, पेज नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो मेंटल एक्सपर्ट है वापस से पैडी ऑप्टन को इंक्लूड कर लिया गया है। पैडी ऑप्टन जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना उस टाइम पे भी थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इवेंट को करवा चुके हैं 1997 में भी करवा चुके हैं, 2013 में भी करवा चुके हैं, अब हम लोग 2025 के अंदर इस इवेंट को जो है वो होस्ट करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ गए मेरी बात। और भी कुछ अनाउंसमेंट करे गए हैं जैसे कि कुछ और, ठीक है ये वाले न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बार जो आपको मालूम है कि पुरुषों का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था ना उससे पहले महिलाओं का ओडीआई वर्ल्ड कप है जो कि हुआ था 1975 के अंदर, ओडीआई का पुरुषों का मेन वर्ल्ड कप है जो कि हुआ था, लेकिन जो महिलाओं का हुआ था वो 1973 के अंदर ही हो गया था इंग्लैंड के अंदर। लेटेस्ट जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर 2022 में ठीक है वो करवाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों मैक्सिमम 7 बार चैंपियन है, इसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है ना, और जुलन गोस्वामी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और डेबी करके हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रन है जो कि वर्ल्ड कप में बनाए हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला इंग्लैंड में हुआ, दूसरा वाला इंडिया में हुआ, फिर 1997 में इंडिया में, 2013 में इंडिया में, अब 2025 के अंदर इंडिया में जो है वो करवाया जाएगा। हम क्या कभी इस वर्ल्ड कप को जीत पाए, हम लोग महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीत पाए दोस्तों। यस, हम लोग रनर अप जरूर रहे, अगर आप देखोगे रनर अप हम लोग जो है वो 2005 में भी रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया फाइनल में साउथ अफ्रीका में, उसी प्रकार से इंग्लैंड के अंदर जब हुआ था तो इंग्लैंड ने इंडिया को लॉर्ड्स के अंदर हराया 2017 के अंदर। तो दो बार हम लोग रनर अप रह चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोग फाइनल है जो कि नहीं जीत पाए। इसके अंदर फाइनल अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और एक दो बार न्यूजीलैंड है बस,
एक बार न्यूजीलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ही है जो कि हमेशा से इसको जीते गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपको हमेशा लगता होगा ना कि T20 के अंदर 100 रन बनाने वाले कौन से प्लेयर होंगे सबसे कम उम्र के अंदर, वो ये कंट्री होंगे जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन दोस्तों नया रिकॉर्ड है जो कि बना है, फ्रांस की टीम नहीं खेलती है ना क्रिकेट, वैसे खेलती है लेकिन वो बहुत ही लोकल लेवल पे, यूरोपियन जो सब लीग होती है क्रिकेट की वहां पे खेलती है। क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि हर कॉन्टिनेंट में क्रिकेट के सब रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर वहां पे जो जीतता है ना फिर वो इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट थोड़ा बड़ा गेम है तो ज्यादा टीमें नहीं खेल पाती जितनी फुटबॉल का या 1.5 घंटे का मैच होता है, तो बहुत लोग खेल लेती है खेल लेते हैं उसके अंदर। तो फ्रेंच के एक प्लेयर है मतलब मैकॉन, तो ये यंगेस्ट दोस्तों मैन क्रिकेटर बन चुके हैं T20 के अंदर जिन्होंने 100 है जो कि मारी है। तो अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड के खिलाफ इन्होंने दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का यूरोपियन लीग का यूरोपियन सब रीजनल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था कि यूरोप से जो है वो कौन क्वालिफाई करेगा वर्ल्ड कप के अंदर, समझ गए। तो ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा था, इन्होंने 18 साल की उम्र के अंदर क्या कर दिया, सेंचुरी है जो कि बना दी मतलब, और ये रिकॉर्ड उन्होंने अफगानिस्तान के एक प्लेयर थे जजाई, उनका ये रिकॉर्ड है जो कि उन्होंने तोड़ दिया, मात्र 18 साल की उम्र के अंदर सेंचुरी मैकॉन ने जो है वो बना दी मतलब, ठीक है, सबसे यंगेस्ट है जो कि ये बन चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है चंदन की, सर पटना वाले को कैसे पता कि प्रीति क्यूट है तो प्रीति क्यूट हो या नहीं हो, मेजरली कमेंट्स के अंदर या ऑनलाइन के अंदर हर लड़के को ये लगता है कि हर लड़की जो है वो बहुत ही क्यूट होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, ओके, और उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाएगी। तो ये बहुत ही जनरल साइकोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। IMF ने इंडिया की जो फोरकास्टिंग है, ग्रोथ फोरकास्टिंग, वो 7.4% है जो कि यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे एक और न्यूज है, एक तो आपके स्टार्टअप्स के दोस्तों IPO आपके शेयर्स की, आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी इंडियन अभी न्यू एज के जो स्टार्टअप्स है ना जो कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है, उन सबका जो IPO आया था वो कल दोस्तों बहुत ही धड़ाम से जो है वो नीचे गिरा है, जिसके अंदर इस पूरी सीरीज को जो है वो लीड किया गया किसके द्वारा, जोमेटो के द्वारा। जोमेटो की हालत दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब ज्यादातर स्टार्टअप जो भी आप IPO आ गए ना, ये सारे के सारे वो है जो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज है, मतलब है ना, एक बिजनेस का एक बहुत ही फंडामेंटल होता है कि आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो कि हमेशा बना के रखनी होती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन प्रॉफिटेबल होनी बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट के पैसे से कंपनी बड़ी तो कर सकते हो लेकिन IPO के बाद में उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देखोगे पेटीएम की भी हालत खराब है, डिलीवरी की हालत खराब है ना, नजारा हो गया, फिनो पेमेंट बैंक है, जितने भी आपको स्टार्टअप्स वाले अभी वाले न्यू एज स्टॉक्स देखने को मिलेंगे सभी जो है वो जमीन पे चले गए। इसके अलावा दोस्तों प्रेटे मैनेजर, एक ये आपको देखो कॉफी इंडिया में क्या है कि अगर आप कभी इंडिया के बाहर जाओगे ना यूरोपियन कंट्रीज में, तो आपको एक बहुत ही न्यू चीज वहां पे देखने को मिलेगी, न्यू एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारे कॉफी शॉप्स है, मतलब जहां पर भी आप देखोगे वहीं पर ही आपको कॉफी शॉप्स मिलेगी। और बड़ी बात पता है क्या है कि इतनी कम पॉपुलेशन है उसके बाद में भी हर कॉफी शॉप जो है वो भरा पड़ा रहता है, हर कॉफी, मुझे समझ नहीं आता जब मैं यूरोपियन कंट्री जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ये लोग करते क्या है पूरे दिन भर कॉफी शॉप के अंदर बैठ के, मतलब पूरे कॉफी शॉप भरे पड़े रहते हैं, हर दुकान चल रही होती है। मुझे हमारे यहाँ पे तो कैफे खाली रहते हैं यार दिन में, सुबह बेचारे कोई शाम के टाइम पे 2-4 लोग आते हैं कैफे कॉफी शॉप के अंदर वो है ना, लेकिन बाहर देखोगे तो हर चाहे कोई इतना सी जगह होगी ना इतनी सी 2 लोगों के बैठने की सिर्फ जगह, वहाँ वो भी भरा पड़ा होगा, वहाँ पे भी लोग होंगे और वो 24 घंटे वहाँ पे बैठे रहेंगे लोग, ऐसा लगता है कि हर जगह। तो वहाँ पे क्या कॉफ़ी लोग काफ़ी पीते हैं क्योंकि थोड़ी ठंड भी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो है टी का, चाय का, ओके, चाय हमारे यहाँ पे जो है वो नेशनल ड्रिंक के तौर पे देखी जाती है, चाय से हम लोग दोस्तों जाम छलकाते हैं सुबह शाम दिन में। तो हमारे यहाँ पे जो कॉफ़ी का जो इनटेक है वो सिर्फ 11% है, लेकिन 11% भी अगर आप इंडियन मार्केट देखोगे कॉफ़ी का तो 2400 करोड़ का दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर है, जो कि इंडिया के एक ऑर्गेनाइज्ड कॉफ़ी या कैफे की टोटल टर्नओवर है जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और नियर बाय 10% से जो है ना ये जो कैफे कल्चर है कॉफी कल्चर है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर स्टारबक्स आया टाटा के साथ में मिलकर, उसी प्रकार से अब टाटा कुछ लेके आया है तो रिलायंस को भी लाना पड़ेगा। तो रिलायंस क्या कर रहा है दोस्तों, ये प्रेट मैनेजर करके एक कंपनी है जो कि UK की कंपनी है, ये आपको लंदन में मिलेंगे इसके मेजरली कॉफी शॉप्स। एक्चुअली के अंदर स्टार्ट तो ये सैंडविच की चेन से हुई थी, सैंडविच रिटेल चेन थी, लेकिन धीरे धीरे कॉफी में उतर गया, अभी कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ये आपको लंदन में बहुत देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब इंडिया में रिलायंस जो है वो क्या कर रहा है, इसके साथ में जो है वो इंडिया के अंदर अपनी एंट्री जो कि लेके आ रहा है। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर 3200 कैफे आउटलेट थे फाइनेंशियल 2022 में, और नियर बाय 4000 आउटलेट जो है वो आने वाले 5 सालों के अंदर ओपन हो जाएंगे। मार्केट साइज बहुत बड़ा है, स्टारबक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट चेन है आज के टाइम पे कंट्री में, 300 आउटलेट। नंबर 1 पे है दोस्तों आपका CCD,
ओके, जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है, 800 से 900 आउटलेट है जो कि आपके सीसीडी के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और नोटेबल प्लेयर है, बरिस्ता है, कोस्टा कॉफी है, इंडियन कॉफी हाउस है ना, ये सब आपको थोड़े बहुत और देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, आगे बात करते हैं जनसत्ता के। दोस्तों ये सब जो मुद्दे हैं वो मैं आपके साथ में पेपर में कभी नहीं आते हैं, मुझे मालूम है पेपर में कभी नहीं पूछेंगे ये सब, लेकिन मैं आपको जनरल प्रोस्पेक्टिव कि इंडियन बिजनेस मार्केट में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, किसके साथ में कोलैबोरेशन कर रहा है, कौन सा मार्केट कितना बड़ा है, आपको भी एक सेंस ऑफ सेंस हो इस चीज़ का कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, इसलिए ये सब चीज़ें जो कि मैं आपको साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कभी लंदन जाओगे तो आपको एक कॉफ़ी शॉप दिखेगी तो आप मेरे को याद करोगे। ओके, होपफुली आप लंदन जल्दी जाओ जिंदगी में। आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता की बात करें, फ्रंट पेज पे कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो स्ट्रीट वेंडर को लेकर दोस्तों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं आप सभी को मालूम होगा, ये एक ऐसा अपना इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ पे देश में हर शहर के अंदर हर जगह पे आपको स्ट्रीट वेंडर देखने को मिलते हैं। स्ट्रीट वेंडर वो लोग होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर शॉप नहीं होती है, प्रॉपर लोकेशन नहीं होती है। ओके, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो अपना टेम्प्रेरी या तो रेडी लगाते हैं या फिर ज़मीन पर लगा के या फिर कोई भी मूविंग वाला कोई साइकिल या कुछ भी ऐसा वहाँ पर अपना सामान है जो कि देखते हैं देते हैं। मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही एक अमेजिंग बात बोली थी कई सालों पहले 2010-11 के अंदर, कि जब ये पूछा गया उनसे कि इंडियन इतना ग्लोबल रिसेशन 2008 में इंडिया कैसे झेल गया ये वो, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी जवाब दिया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो कैश के अंदर और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो चलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, है ना। कोशिश ये करनी चाहिए कि इनफॉर्मल से लोगों को फॉर्मल की तरफ लेके आया जाए प्रॉपर तरीके से। ओके, लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर को बिल्कुल भी रोकना नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी काम सरकार को नहीं करना चाहिए जिससे इन लोगों के रोजमर्रा के जीवन के ऊपर प्रॉब्लम आए, क्योंकि यहाँ पर डेली कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, डेली इनका गुजारा चलता है, डेली जो है वो घर परिवार आगे बढ़ता है, पढ़ाते हैं, सब कुछ चीज़ें जो कि इनके वजह इनके इस छोटी मोटी शॉप्स की वजह से होती है। अगर आप इसी को शॉप्स को है ना, अगर आपने क्या है कि हम लोगों ने क्या हमारे कल्चर को थोड़ा फॉलो नहीं किया, हम लोग क्या वेस्टर्न के चक्कर में मर गए, वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको इस तरीके से स्ट्रीट के ऊपर वेंडर्स देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से दुकानें होती है, तो हमने भी यहाँ पे दुकानें बना दी। हमें ये नहीं समझ में नहीं आया कि हमारे लिए इन लोगों को प्रॉपर जगह देना बहुत ज़रूरी है, हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक दुकान के अंदर अपना बिजनेस चलाना। ठीक है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने क्या किया था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया उसके अंदर जो है एड्रेसिंग कर रहे थे, उसके अंदर एड्रेस है मतलब उनका एक वो था यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर स्ट्रीट नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया इनकी मीटिंग है जो कि यहाँ पे चल रही थी, और इसके अंदर जो है वो स्ट्रीट वेंडर के ऊपर चर्चा है जो कि चल रही थी। तो मैंने आपको बताया दिया स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं जो कि परमानेंट बिल्डअप स्ट्रक्चर के अंदर काम नहीं करते हैं, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह है जो कि मूव होते हैं। हमारे देश में एस्टिमेटेड 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर है जो कि माने जाते हैं, समझ गए, 50 × 5 करोगे तो 2.5-3 करोड़ लोग तो स्ट्रीट के ऊपर सामान बेच के ही जो है वो जिंदा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों का काम है जो कि चलते रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वहाँ पे मैक्सिमम ये कल्चर है जो कि देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर आपको यूपी में मिलेंगे नियर बाय 8.5 लाख, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में दिल्ली के अंदर, सिक्किम के अंदर दोस्तों कोई भी स्ट्रीट वेंडर है जो कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। कई सारे राइट्स है दोस्तों इनके भी, है ना, जैसे आर्टिकल 19 है वो बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स, कोई भी काम कर सकते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी प्रिम्बल जो हमारा उसके अंदर भी बोला गया है कि हम लोग जस्टिस और सोशल और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी इनके राइट्स के बारे में बात करी गई है, वेलफेयर ऑफ द पीपल में, है ना, इनइक्वालिटीज इनकम की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हम लोग सरकार सपोर्ट करेगी। ओके, लाइवलीहुड जो है वो देना आर्टिकल 39 का ए, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, तो ऐसे कई सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिससे इनको राइट मिलता है कि ये काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो है अथॉरिटीज की, कि लोगों को ये लगता है कि अगर स्ट्रीट वेंडर है तो यहाँ पे क्यों है ये, है ना, लोगों को लगता है कि एक तो डेकोरम खराब हो रहा है, दूसरा ये कि रोड जो है वो ब्लॉक हो रही है, एंक्रोचमेंट हो रहा है। तो एंक्रोचमेंट को कैसे मैनेज करके स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ये पॉलिसी जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के टाइम पे एक तो वैसे एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पावर्टी जैसे जैसे बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो धीरे धीरे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में मूव ऑन करते हैं और स्ट्रीट वेंडर है जो कि बन जाते हैं और स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं। तो दो प्रॉब्लम होती है, एक तो स्किल नहीं होती है और एक एजुकेशन नहीं होती है, दो चीज़ें जब लैक करती है तो स्ट्रीट वेंडर ज़्यादा जो है वो किसी भी देश में बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। चलिए ठीक है गाइज, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी हमने एलोकेट नहीं कर रखी इन लोगों के लिए प्रॉपर स्पेस। अगर हम लोग कोई एक डेजिग्नेटेड हर शहर में, हर जगह में, हर सेक्टर में
शहर के अंदर अगर एक प्रॉपर जगह इनको डेजिग्नेट कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमने क्या किया कि एक्चुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अपना लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे दोस्तों वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं चलता, हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली आज से 1000 साल से स्ट्रीट वेंडर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मल्टीपल अथॉरिटीज क्या करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, एक्सटॉर्शन करती है, पैसे लेती है, हफ्ता लेती है इनसे, है ना। इनकी रेडी वाले कभी भी म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, रेडी उठा के फेंक देते हैं, फिर बेचारा चाय वाला पैसे वैसे देके अपनी रेडी वापस लेके आता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो रेगुलेट करना बहुत जरूरी है इस चीज को। इसके लिए एक स्वनिधि स्कीम भी लॉन्च करी गई थी, है ना, जिसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को बेनिफिट दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर ये कर रहे हैं तो 1200 रुपये पर एनएम इनको बेनिफिट भी देने की बात बोली गई। ये एक एसोसिएशन है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा बना रखी है, जिन्होंने प्रोटेक्शन के लेकर वो काम करते हैं, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट भी 2014 के अंदर दोस्तों इंक्लूड कर रखा है, जिसमें पब्लिक एरियाज में कैसे हमें रेगुलेट करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्ट करेंगे उनके राइट्स को, इसके ऊपर काम है जो कि किया जाता है, समझ गए। चलिए ठीक है गाइज, तो अब हमें जरूरत है कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर को भी थोड़ी बहुत सुविधाएं अवेलेबल करवाएं जो फॉर्मल सेक्टर में मिलती है, है ना। मटर्निटी अलाउंस हो गया, एक्सीडेंट रिलीफ हो गया, नेचुरल डेथ हो गई, है ना, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन सपोर्ट हो गया उनके बच्चे को, पेंशन हो गई किसी भी क्राइसिस के अंदर, तो ये सारी सुविधाएं अगर इनको मिलेगी तो ये फॉर्मलाइज हो जाएगा सेक्टर, तो देश को काफी फायदा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। तो देखिए रिसेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, उसके अंदर स्नो लेपर्ड के बारे में स्टडी करी गई कि वो कहाँ पर रहता है, कब दिखता है, कौन सा उसका प्रे होता है, है ना। तो स्नो लेपर्ड को देखना अपने आप में बहुत ही भारी काम है, मतलब दिखता नहीं है, बहुत ही किस्मत की बात है कि आप कोई ऐसी जगह पे हिमालयाज में ट्रैकिंग करने जा रहे हो जहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड दिख जाए, और भगवान ना करे स्नो लेपर्ड आपको दिखे दिख गया, और अगर आपको दिख गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको आप दिख गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। क्योंकि वो जंगल नहीं है, वहाँ पे आपके पास कोई जीप सफारी नहीं है, ओके। कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके साथ हुआ था 2016-17 की बात है, एक चादर ट्रैक है, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है अपने लद्दाख वाले एरिया में, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, है ना, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। तो वो क्या उस एरिया से ट्रैक से थोड़ा सा साइडलाइन हो गए थे। कई बार क्या होता है कि मौसम खराब होता है तो आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते अपने रास्ते को, तो वो अपने थोड़ा रास्ते से भटक गए थे, मेरा भी जाने का था, लेकिन उस टाइम पे मेरे ख्याल से कोई एग्जाम था अपना, कोई एग्जाम था, तो मेरे को काफी कुछ करंट अफेयर करवाने थे, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, अदरवाइज मैंने भी टिकट विकेट सब कर रखे थे, पैसे भी दे रखे थे, डूब गए पैसे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो अपना थोड़ा रास्ता भटक गए, और उसके बाद में उनको एक दूसरे हिल के ऊपर जो है वो स्नो लेपर्ड देखने को मिला था, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, अगर डिस्टेंस कम होता तो फिर वो नहीं होते, समझ रहे हो। क्योंकि स्नो लेपर्ड को बहुत हंट करना पड़ता है अपने प्रे के लिए, मेजरली जो साइबेरियन आइबेक्स होते हैं और ब्लू शिप है ना, वही उसका हंटिंग होता है, तो उनकी जो उनकी एब्सेंस है, प्रेजेंस है, उसी से आप स्नो लेपर्ड को जो है वो पता लगाते हो, समझ गए मेरी बात। तो स्नो लेपर्ड को डिटेक्ट करने के दोस्तों जो तरीके हैं वो यूटिलाइज करने की बात करी जा रही है, ताकि उनकी काउंटिंग भी की जा सके, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर काम कर सके, है ना, उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है गाइस। चलिए तो है ना, आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि लैंड थोड़ी बहुत क्या बंजर हो रही है, ग्लास लैंड कम हो रहे हैं, स्लोप कम हो रही है, डिस्टेंस जो है वो वाटर से वो भी बढ़ता जा रहा है, तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से स्नो लेपर्ड और उसका जो प्रे है ना, वो दोनों ही थोड़े बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से आपको काफी लॉन्ग पूंछ है जो कि आपको स्नो लेपर्ड के देखने को मिलेगी, बहुत ही अमेजिंग एनिमल है, ठीक है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर IUCN के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1971 में शेड्यूल 1 के अंदर है। फीचर्स की बात करें तो माउंटेन कैट भी इनको हम लोग कहते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख है ना, अपना जो हैम्बिस नेशनल पार्क का जो एरिया है वहां पे देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो मेजर जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है ना, वहीं पर ही आपको स्नो लेपर्ड है जो कि देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो ऊपर वाले कंट्रीज हैं या आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना, यहाँ पर भी आपको माउंटेन्स के अंदर हिमालय में माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैंथेरा सिया इसको बोलते हैं, टॉप प्रेडेटर मैंने आपको बता दिया, जितने ज्यादा इसके प्रेडेटर होंगे उतना ही माउंटेन की हेल्थ अच्छी है, ये बताने में स्नो लेपर्ड आपको बहुत हेल्प करता है, समझ गए मेरी बात। चलिए तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2013 में लॉन्च किया था, ठीक है, जिसमें हमने हिमल शंकर नाम से एक कैंपेन भी जो है वो संरक्षक, हिमल संरक्षक नाम का एक कैंपेन है जो कि लॉन्च किया था, जिसमें हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे स्नो लेपर्ड को। अक्टूबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया, फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया इनके पॉपुलेशन को असेसमेंट करने के लिए 2019 के अंदर, ठीक है। 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में स्नो लेपर्ड को भी इंक्लूड है जो कि किया गया।
हमारे दार्जिलिंग हो गया, पद्माजा, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, वहां पर कई सारे प्रोग्राम्स है जो कि इसको बचाने को लेकर चलाए गए। आगे बात करते हैं जापान के दोस्तों, वोल्केनो को लेकर अभी रिसेंटली जो है साकुराजिमा वोल्केनो है जो कि रिसेंटली इरप्ट हो गया दोस्तों जापान के अंदर, वन ऑफ द मेजर वोल्केनोज में दोस्तों ये वोल्केनो है जो कि माना जाता है। इसका इरप्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जापान और उस जापान के लिए, ठीक है। तो रिसेंटली जो है ये पैसिफिक ओशन के अंदर इरप्ट हुआ, हालांकि कोई जान और जान के ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखोगे जापान के अंदर दोस्तों पैसिफिक, ये आपको मालूम है ना लैंड ऑफ फायर, पैसिफिक जोन जो है वो पूरा का पूरा फायर जोन है, यहाँ पे वॉल्केनोज बहुत ज्यादा है, जिसमें जापान में तो एवरी डे एवरी मिनट जो है वो 50 ऐसे वॉल्केनोज को के ऊपर टेस्टिंग होती है, मतलब टेस्टिंग होती है मतलब उनको ध्यान रखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो उसी के अंदर से एक है देखिए सुकुराजिमो, तो इस वाले एरिया के अंदर जो ये वाला वॉल्केनो ना ये इरप्ट हो गया अभी रिसेंटली। ये सारे वॉल्केनोज है जिनकी टेस्टिंग होती रहती है, मॉनिटर किया जाता है जापान के द्वारा एनी टाइम कि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहे। तो वन ऑफ द जापान मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इसको माना जाता है रिसेंटली, कई सारे लेवल्स के ऊपर इसका वेरिएशन होता है इसका इरप्शन का, बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है। अगर आप देखोगे पहली बार इसके बारे में 1471 में पता लगा है ना, इरप्शन उस टाइम पे भी हुआ, 1914 में भी हुआ, 8 सेंचुरी से मतलब रिकॉर्डेड इरप्शन है जो कि इसके देखे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो 1200 साल से मतलब इसका इरप्शन है जो कि हो रहा है, बहुत ही डेंजरस है। मतलब वॉल्केनो आपको मालूम ही है क्या होता है कि जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो नीचे से साइड होती है या स्क्वीज होती है तो उस टाइम पे जो नीचे मैग्मा होता है वो इरप्ट होता है बाहर की तरफ हमारा वेंट के थ्रू, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्केनो कहते हैं, लावा निकलता है इस तरीके से। ये बाहर जो आता है अंदर मैग्मा होता है और बाहर लावा होता है, ठीक है, इस तरीके से ये इसका वेंट होता है अंदर की तरफ, ये क्रेटर है ऊपर की तरफ, ये नीचे अंदर मैग्मा है, ये पूरा चेंबर है और वो लावा है ऊपर एशेस बेस में निकलती है। कई प्रकार के होते हैं मतलब, है ना, बहुत मल्टीपल, जैसे जैसे इनका शेप होता है उसी तरीके से इनका अलग अलग नाम है जो कि दिया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके नाम भी बताया था मैं आपको, ये देखिए लावा डोम है, कंपोजाइट वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये वाला वॉल्केनो है जो अभी जापान वाला फटा है, ये आपको माउंट फूजी जो है ना जापान में वो भी यही वाला है। इसके अलावा सिंडर कोन है, ये आपको मैक्सिको में मिलेगा, शील्ड वॉल्केनो आपको हवाई के अंदर मिलेंगे। तो कई प्रकार के वॉल्केनोज है जो कि देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस। हमारे यहाँ पे एक ही दोस्तों एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान आइलैंड में बैरन आइलैंड है, नारकोटम भी साइलेंट हो चुका है, बाकी के बाकी सारे के सारे साइलेंट है जो कि हो चुके हैं, ठीक है। कारगिल दिवस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है दोस्तों, रिसेंटली 23वीं एनिवर्सरी है जो कि कल के दिन है जो कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में मनाई गई, क्योंकि 26 जुलाई दोस्तों वो दिन था, 23वीं एनिवर्सरी थी, 26 जुलाई वो दिन था जिस दिन हमने कारगिल की वॉर है जो कि हमने जीती थी और पाकिस्तानी इंट्रूडर्स जो कि वहां के सोल्जर्स थे और इंट्रूडर्स बन के भारत के ऊपर उन्होंने दोस्तों भारत की जो अपनी एक्चुअली के अंदर मोटिव क्या था उनका, देखो आपको मालूम है कभी अगर आप श्रीनगर से लद्दाख जाओगे ना तो एक ही रोड है जो कि जाती है लद्दाख, तो उनका मोटिव क्या था कि हम लोग जो बीच में एक जो रोड है ना, जैसे अगर आप मान लो श्रीनगर से लद्दाख जाओगे तो आप कारगिल के थ्रू होते हुए जाओगे, समझ गए, तो कारगिल बीच में एक सिटी पड़ती है, तो उनका मोटिव क्या था कि कारगिल को हम लोग ब्लॉकेट कर दें, कारगिल को हमने ब्लॉक कर दिया तो पूरा लद्दाख जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इंडिया से, फिर चाइना और पाकिस्तान मिलकर उसको कंट्रोल कर लेंगे, फिर तो इंडिया के पास और छोटा एरिया बचेगा। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आई बात कि यार मतलब तुम किससे पंगा ले रहे हो यार, मतलब समझ नहीं है उनको इतनी सी बात कि तुम मतलब हमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे ये काम को रोकने में। तो 5000 सोल्जर है जो कि उसने भेज दिए, चोटी के ऊपर कब्जा कर लिया, शिलिंग करके जो रोड थी ब्रिजेस थे उसको तोड़ दिए, फिर हमने दोस्तों हमारे ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया हमारी आर्मी ने, ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट किया हमारी एयरफोर्स ने उनके साथ में मिलकर, ठीक है। और उसके बाद में कुछ ही दिन के अंदर हमने क्या कर दिया, उनको वहां पे मार गिराया। तो और जो हमारे जवान जो शहीद हुए उनके ही दोस्तों याद में कारगिल दिवस है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। इस तो 1971 की जब वॉर हुई थी तो काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, न्यूक्लियर टेस्ट भी करे 1998 में दोनों देशों ने, तो क्या हुआ उसके पहले जो है दोनों के बीच में पीस ट्रीटी भी हो गई थी, लेकिन उनको समझ आती नहीं, नवाज शरीफ उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और मुशरफ जो थे वहाँ के जनरल थे, तो मुशरफ को लगा ठीक है मैं तो कर दूंगा छोटा सा काम है, तो मुशरफ को मना किया था जबकि नवाज शरीफ ने भी मना किया था, लेकिन मुशरफ माना नहीं मतलब किसी की भी बात को, और जबरदस्ती जो है वो अटैक करवाया, उसके बाद हार के वापस आ गया। तो कारगिल वॉर 1999 के अंदर जो कि हो गई और कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, मई से लेकर जुलाई 1999 के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है गाइस। चलिए 1999 के बाद में उसके बाद में लाहौर एग्रीमेंट किया, म्यूचुअली रिजॉल्व करने की हमने कश्मीर इश्यू को बात करी, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने ट्रूप्स भी भेजना चालू कर दिया एलओसी के साइड के ऊपर, ठीक है। उन्होंने ऑपरेशन जो है
भद्र नाम का एक ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया था उन्होंने, ताकि इंडियन ट्रूप्स को सियाचिन वाले एरिया से कट डाउन किया जा सके। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, ऑपरेशन विजय है जो कि दोस्तों लॉन्च किया। बाकी तो आपने दोस्तों मूवी देखी है, चाहे फिर आपने बहुत ही अमेजिंग मूवीज है इसके ऊपर जो बनी हुई है, जैसे कि LOC बहुत अच्छी मूवी है, अभी शेर साहब बहुत ही अमेजिंग मूवी है, इसके अलावा ऋतिक रोशन की थी ना, कौन सी थी, लक्ष्य, बहुत अमेजिंग मूवी थी। तो उसके अंदर 1999 को लेकर ही दोस्तों डिपिक्शन है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए आप देख सकते हैं ये वाली एक ही रोड है जो कि हमारे यहाँ से लद्दाख जाती है ना, ये POK वाला एरिया है, अक्साई चीन वाला एरिया, ये दोनों एरिया हमारे ही है, लेकिन इलीगली जो है इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ये वाली हमारी रोड है, तो इस वाले एरिया को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी, जिसको कुछ ही टाइम में फिर हमने वापस से जीत लिया। इसी प्रकार से नेवी ने भी दोस्तों ऑपरेशन लॉन्च किया, और बहुत ही खतरनाक किया, नेवी ने तो इतना खतरनाक किया कि हिल भी नहीं पाई पाकिस्तानी नेवी। ऑपरेशन तलवार है जो कि लॉन्च किया था, बहुत ही अमेजिंग था, मतलब ये अगर आप कभी, हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। इसी को लेकर दोस्तों हमने एक नेशनल वॉर मेमोरियल भी बना रखा है, जहाँ पे हमने अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र जो है ये हमने बना रखे हैं। ठीक है गाइस, 4 सर्कल्स है जो कि हमने बना रखे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो पहली बार 1960 में बनाने के लिए प्रपोजल किया गया था। इंडिया गेट से 400 मीटर दूरी आपको देखने को मिलेगा। जितने हमारे जवान जो कि शहीद हुए हैं दोस्तों वॉर में, है ना, उन सबके नाम और उनको सबको शहादत है जो कि वहाँ पे दी जाती है। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो बरनपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है, जिसको दरवाजा ऑफ दक्षिण भी कहते हैं, वो पहला सर्टिफाइड हर घर बिजली डिस्ट्रिक्ट है जो कि देश में बन चुका है। पेपर में पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। बरनपुर के अंदर 250 विलेज है, हर घर के अंदर दोस्तों नल से पानी है जो कि आ रहा है, हर घर जल योजना जो है वो वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हर घर जल योजना है जो कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट है जो कि यहाँ पे करी गई है। और ये बरनपुर डिस्ट्रिक्ट पहला मध्य प्रदेश और इंडिया का पहला राज्य डिस्ट्रिक्ट है जो कि बन चुका है। वो BCCI ने दोस्तों इंट्रोड्यूस किया है A+ कैटेगरीज के एम्पायर्स को, और नितिन मोहन और साथ में 10 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको A+ कैटेगरी में और A कैटेगरी में इंक्लूड है जो कि किया गया है। अगर आप A+ कैटेगरी के एम्पायर हो दोस्तों, तो आपको 40,000 रुपये पर डे जो है वो आपको मिलेगा फर्स्ट क्लास रणजी वनजी के अंदर भी अगर आप एम्पायरिंग करते हो तो, और अगर आप B और C कैटेगरी में हो तो 30,000 रुपये पर डे है जो कि एम्पायर्स को मिलता है। एम्पायर्स की भी फिटनेस बहुत ही अमेजिंग होती है। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है कैनरा AI1। ठीक है, इस मोबाइल बैंकिंग ऐप है। एक लार्ज स्टैचू चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों भोपाल के अंदर है जो कि बनाया गया है ना, इंस्पिरेशन के लिए, यूथ के लिए, और आजाद का जो होम टाउन था भाभरा, तो वहां पर दोस्तों इसको बनाया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं वोकैबुलरीज की। वैरी का मतलब होता है जब आप बहुत ही कॉन्शियस होते हो, है ना, टाइगर को देखकर क्या हो गया, डियर वैरी हो गया, यानी कि बहुत ही कॉन्शियस हो गया। फॉरे का मतलब होता है सडन अटैक करना, इन्वेजन करना, फ्रंट में आके फॉरे किया। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जब आप ऐसा बच्चा, ठीक है, जो किसी की बात नहीं माने, उसको रिकैल्सिट्रेंट है जो कि कहते हैं। उगले का है किसी की तरफ देखना, स्टेयर करना। तो और ये थे आपके वोकैबुलरीज। आज के फन फैक्ट के बारे में बात करें, तो कभी आपने ऐसा सुना है, आपने ऐसे बहुत सारे स्नेक देखे होंगे, बहुत सारे एनिमल देखे होंगे जो कि बहुत ही पॉइजनस होते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि कोई बर्ड जो है वो बहुत ही पॉइजनस हो? डेफिनेटली दोस्तों दुनिया में एक ऐसा बर्ड है, ठीक है, पॉइजनस बर्ड है जो कि रिकॉर्ड किया गया था, उसका नाम है हुडेड पिटोहुई। ये जो बर्ड है ना, इसके जो फैदर होते हैं, इसकी जो स्किन होती है, इसके जो टिश्यूज होते हैं, इसी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉइजनस है बेट्रा कॉर्टिन टैक्सिन नाम से, एक बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट्स है जो कि इसके अंदर होते हैं। इसके बॉडी में इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं कि ये किसी को पैरालिसिस या किसी को मार भी सकते हैं। इसी तरीके से और पॉइजनस दोस्तों जो है वो आपको एक फ्रॉग देखने को मिलता है जिसका नाम है डार्ट फ्रॉग, ये भी बहुत पॉइजनस है जो कि होता है। और ये बर्ड जो है ये भी बहुत पॉइजनस होता है, बर्ड्स के अंदर आपको शायद ही आपने कभी सुना होगा ऐसा। ठीक है, इसके अलावा बूस्टर कोर्स आप ले सकते हो, 18 तारीख से लॉन्च हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो कंप्लीट रिवीजन के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग बैच है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, हिंदी इंग्लिश में रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस है, 100 घंटे से भी ज़्यादा का डाउट क्लासेस है आपके लिए, PDF है, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, 100 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। आज का पहला सवाल है जो कि आपके क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर है, दूसरा सवाल है कारगिल वॉर को लेकर, तीसरा है दोस्तों जो कि है सुकुराजिमो जीमा ज्वालामुखी को लेकर, फोर्थ है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और फिर आशा वर्कर्स को लेकर। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।